होता है दौड़ने का या ट्रायथलॉन का, मैं कभी ऐसे एज ए टूरिस्ट या एक अपने लिए कोई एक्टिविटी करने के लिए मैं बहुत कम जाता हूँ। तो जब क्यू ट्रिप्स मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हम इस तरह का एक ट्रिप बनाएंगे साइकिलिंग के साथ, लग्जरी स्टे के साथ, कल्चर के साथ, तो मैंने सोचा कि इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा और चलें। जी तो पोर्चुगल तो बहुत ही खूबसूरत देश है, ख़ास करके इस समय में, समर में, और साइकिलिंग तो एक अच्छा ज़रिया है एक देश को देखने के लिए। मैं तो रनिंग बहुत करता हूँ, लेकिन रनिंग थोड़ा सा टफ है, साइकिलिंग थोड़ा इजी है, लेकिन साइकिलिंग के ज़रिए हम नज़दीक से एक देश को देख सकते हैं, तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो हम कभी कभी गाड़ी में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन रोड से जाना और धीरे धीरे जाना, उसमें मज़ा ज़्यादा है मैं समझता हूँ, और इसलिए ये एक्सपीरियंस थोड़ा स्पेशल है। मैं अच्छा दिखता हूँ ना इसमें? एक बात ये, बहुत अच्छे दिखते हैं। और जो मिलिंद करते हैं एक्टिव रहने के लिए, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो डिपार्चर है, हम कर रहे हैं टू प्रमोट एक्टिव टूरिज्म। और मिलिंद सोमन से अच्छा और कौन हो सकता है टू प्रमोट व्हाट एक्टिव टूरिज्म कैन बी, तो इसीलिए हमने मिलिंद सोमन जी को चूज़ किया है। वैसे जहाँ भी मैं गया हूँ मुझे वो जगह अच्छी लगी है, क्योंकि हर कल्चर, हर सीज़न, हर जगह की जो हेरिटेज है वो काफ़ी स्पेशल होती है और अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना। लेकिन वेरी एडवेंचरस, आउटडोर एडवेंचरस। Stay there only. Yeah. वापस बोलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या था? और कोई जगह अच्छी लगती है? तो मैं ट्रैवल काफ़ी करता हूँ, जैसे मैंने कहा काम के लिए मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं टूरिज़्म के लिए थोड़ा कम करता हूँ, फ़ोटो मैं निकालता नहीं हूँ जाके, कोई बिल्डिंग के फ़ोटो, नदी के फ़ोटो, ऐसे मैं कम काम करता हूँ। लेकिन किसी जगह के जगह पे जाना, उसका कल्चर जानना, हिस्ट्री जानना, हेरिटेज जानना, और एक इस तरह से साइकिल के ऊपर, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ मोर एक्साइटिंग, वो मैंने एक्चुअली इससे पहले कभी किया नहीं। जैसा मिलिंद जी ने आपको अभी बोला कि इन्होंने ऐसा कभी एक्टिव टूरिज्म में साइकिलिंग करते हुए दूसरे देशों में एक्सप्लोर नहीं किया है, उसी तरह हमारे हिसाब से हमको लगता है कि साइकिलिंग के ऊपर जो हम लोग एक जगह को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका आज तक किसी ने यूज़ नहीं किया है। तो हम दिखाना चाहते हैं कि साइकिलिंग के द्वारा बीइंग एक्टिव, उसके साथ हम कैसा एक नई शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक नए देश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर डिपार्चर में पोर्चुगल में काफ़ी कल्चर है, हम छोटे छोटे गांव में जाकर एक गांव से दूसरे गांव बाइकिंग साइकिलिंग करेंगे, वहां के लोगों को मिलना, वहां के लोकल कल्चर को देखना, वहां पर लोग कैसे रहते हैं, वहां के लोकल लोगों के घर में भी जाना वो एक चीज़ होगी, वहां के लोकल लोगों के क्विजीन क्या होंगे, खाने में कैसा होता है, पोर्चुगल क्विजीन कैसी होंगी वो देखना, और शाम में हम लोग रहेंगे बहुत ही लग्जरी वाइन रिसॉर्ट्स में, जहाँ पर वहाँ की वाइन टेस्टिंग होगी, मिशलिन स्टार डाइनिंग होगी। तो एक कल्चर है जहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ के लोगों के घर में क्या बनता है और वहाँ पे मॉडर्न क्विजीन आज क्या हो रही है विथ वाइन टेस्टिंग। तो ये वेरी वेरी बहुत ही एक अनोखा एक्सपीरियंस होने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सरप्राइजिंग होता है जब हम दूसरे देशों में जाते हैं, क्योंकि हम एक जो हमारे देश में होता है, हमारे कल्चर में होता है, वो तो हम जानते ही हैं, बचपन से जानते हैं,
और दूसरे देशों में जाते हैं तब इतना कुछ अलग होता है वो देखना, आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग, इट ओपन योर माइंड टू सी कि जिस तरह से हम रहते हैं, हम जा रहते हैं, हम जो खाते हैं वही दुनिया नहीं है, दुनिया हमसे बहुत बहुत बड़ी है। और जब हम ये जानते हैं तो जिस तरह से हम जीना चाहते हैं आगे, उसमें आइडियाज़ बहुत अलग अलग आ सकते हैं। आइडिया ऐसे आ गया, मैं थोड़ा पागल हूँ तो आइडिया आ गया। दो तीन दिन पहले मैंने ऐसे सोचा कि ठीक है छुट्टी का दिन है, क्या कर सकते हैं, मुझे दौड़ना तो बहुत पसंद है सबको पता है, और मैंने सोचा कि 72nd इंडिपेंडेंस डे है तो 72 किलोमीटर दौड़ते हैं, इससे मैं भी खुश रहूँगा, शायद दूसरों को भी कोई मैसेज मिलेगा इसमें से कि ठीक है 72 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा है किसी को दौड़ने के लिए, लेकिन 7 किलोमीटर कर सकते हैं, 2 किलोमीटर कर सकते हैं, थोड़ा हमारा जो माइंडसेट है फिटनेस की तरफ जा सकता है। अगर मैंने ये किया तो पेपर में भी आया था तो लोग समझते कि कोई स्पेशल बात है इसमें, और शायद लोग सोचते कि ये पागल है, ठीक है 72 किलोमीटर कर सकता है लेकिन फिटनेस के लिए कर रहा है, फिट है, 53 साल का आदमी है तो हम 22 साल के या 30 साल के 40 साल के थोड़ा तो कर सकते हैं, और शायद आगे जाके हमारी ज़िंदगी भी और अच्छी बन सकती है। Hi everyone! Did you download YoYo TV app? No? Then go and download from your Play Store, where you will get news and entertainment masala. So go, hurry up and download it, YoYo TV app. For more updates, please like, share and subscribe to YoYo Times.